फाफड़ा। हाँ जी क्या ये पूरी ऐसी फर्जी है? गुजराती माल है, गुजराती माल है। 15 अगस्त आने वाला है यहाँ पर। पहली बार खाया है तुम्हें? आपका नाम क्या? खाजा बोलते हैं। खाजा क्या नाम आपका? मगन भाई। मगन भाई दोबारा बोलो। मगन भाई। मगन धान्या भी इसे खाएगी। खा के बता कैसे लगा? हॉपर में अनाज डाली। ये ऊपर है। दादरी जैसा शहर में। अच्छा जी। तो अभी मैं काकरिया लेक पहुंचा हूं, नगीनावाड़ी। चलिए बारिश शुरू हो गई है तो अभी हमें वापस जाना है। आपने बच्चों को फुल बस्ती करा दी? हाँ सीधा ही है। पहले बच्चों को बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्यार, वीडियो की शुरुआत। अभी हम हमारे अंकल जी के साथ निकल पड़े हैं ढोकला खमन ढोकला लेने के लिए। मेरी फोटो बंद है। ये अलग अलग यहाँ के आइटम है। फाफड़ा फाफड़ा जलेबी फाफड़ा। ये ढोकला ढोकला। भैया बताओ सारे नाम बताओ। फाफड़ा। फाफड़ा। हाँ जी वनेला गाठिया। क्या? वनेला गाठिया। वनेला गाठिया। फर्जी पूरी। क्या? फर्जी पूरी। फर्जी पूरी। ये पूरी है जी फर्जी है। हाँ जी ये गाठिया। ये जाड़ा गाठिया। जाड़ा गाठिया। ये पापड़ी। ये पापड़ी। तीखी पापड़ी। तीखी पापड़ी। ये अलग अलग तरह के हो गए। ये इधर ये ढोकला। ये बाटी दाल ढोकला। बाटी दाल ढोकला। ये सैंडविच ढोकला। सैंडविच ढोकला। ये खांडवी। ये खांडवी। ये इमरती। ये तो पता है हमारे यहाँ बनती है जी। ये राजभोग सरीखा। राजभोग। और ये इधर काजू द्राक्ष। काजू द्राक्ष। ये मैंगो। मैंगो। ये हलवा है क्या? नहीं दही में से बनता है। गुजराती माल है। तो सबसे बढ़िया कौन सा है? एक थोड़ा सा चेक करा ना। और बासुंदी रखते हैं, रसगुल्ला रखते हैं। अच्छा जी। तो ये बाकी आइटम तो हमारे यहाँ मिल जाता है। ये देखिए जी गुजरात की मिठाइयाँ। ये देखिए 15 अगस्त आने वाला है यहाँ पर। तिरंगे रंग की शेप में कलर में भी जो है मिठाइयाँ अवेलेबल है। ये अंकल जी ने बताया नरोड़ा की फेमस दुकान है। ये देखिए क्या ये राजभोग। अंकल जी बहुत ठंडा ठंडा आइसक्रीम जैसा लग रहा है। राजभोग हो रही है। और ये मैंगो। पहली बार खाया है तुमने? ये तीसरा आ गया। इधर ही चलता है अहमदाबाद में ही खाली। गुजरात में ही चलता बाकी कहीं नहीं। चिकन मटा। ये दही का बनता है। नरोड़ा गांव की सबसे फेमस दुकान है। क्या नाम है फर्म का? बालक पिछवाड़ा स्वीट मार्ट। ये जो आइटम था ना बहुत टेस्टी है। दही का है लेकिन ये फ्रिज में ही रखना पड़ता है, चलता नहीं है। हरियाणा वालों लेके आ रहा था मैं, मना कर दिया इन्होंने, बोला खराब हो जाएगा। ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये स्पेशल आइटम है। ये भैया ने बताया। क्या नाम भैया आपका? फोटो लोगो। आपका नाम क्या? खाजा बोलते हैं। खाजा क्या नाम आपका? मगन भाई। मगन भाई दोबारा बोलो। मगन भाई। मगन। हाँ मगन भाई। मगन भाई ये राजस्थान के हैं ये, लेकिन यहाँ गुजरात में आके ना पूरे गुजराती हो गए हैं। तो ये देखिए ये स्पेशल इन्होंने खाजा बनाया है। तो आज हम खा रहे हैं 3 types ऑफ ढोकला। ढोकला खमन ढोकला और खमन ये कड़ी है और चटनी के साथ। धान्या भी इसे खाएगी। खा के बता कैसे लगा? कैसा लगा? ओम भो ओम भव है।
युवा स्वासा प्रवीत आकाश्रियन बहुत ही जायमान है तम जगो पवितांते आज में तमाम गंधर्वा शंकर महादेव को अक्षत चढ़ाओ, चाहे एक ही चढ़ाओ, दो चढ़ाओ, पांच चढ़ाओ, लेकिन धो करके चढ़ाने चाहिए। चावा लक्षत से लक्ष्मी प्राप्त होती है, लक्ष्मी लक्ष्मी जी प्राप्त होती है, जैसा कि शिव महापुराण में लिखा हुआ है। आस्थान समर्पित नमः संत मया गिरि संता भी चाकसे ही यामि शुम गिरि संता ते विश्वेश्वम गिरि तरताम करो माही गुम सी पुसंदिगत देवी नमः सत्ता वा गिरि सत्या वधा मसी यता नहे। ये रुद्र इधर, ये रहा पूरा, ये पूरा जो है गुजरात यूनिवर्सिटी। ये रुद्र की वीडियो यहाँ तक गई है। ये कल बीआरटी के जो गाड़ी से गए थे तो हमने रबड़ी खाई थी। ये साबरमती पहुंच गए हैं, तो आपकी भी आएगी वीडियो सर, आपकी वीडियो नेक्स्ट में डालूंगा मैं। ठीक है, तो हमारे साथ हैं प्रमोद जी, ये हमारे हमारे को उबेर में मिले हैं और ये हमें जो है हमारे डेस्टिनी तक छोड़ने जा रहे हैं। तो अच्छा लगा प्रमोद जी आपसे मिलकर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सर। कृपया 2 मिनट इंतजार करें। ये देखिए, ये गेहूं पीसने की स्पेशल मशीन है, आधुनिक तकनीक। अब गेहूं कहाँ गया पिसाई से? नीचे। ये पिसाई हो गई, दाने साइड होना। आपकी सलामती के लिए मेन डोर बंद करें। ये देखिए, ये इस तरह से आटा पीस चुका है और ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश आटा इसे निकाले। बहुत अच्छा दादी, बहुत अच्छा दादी, पढ़ना है भाई, जाना है तुम्हारा दादी। हमने 35 साल काटे, दादी जैसा शहर नहीं। अच्छा जी, क्या बात, बहुत अच्छा शहर है। नंबर है दादी वाले, बड़ा ना देते। ये यहाँ पर जो है चलान पे चलान काट रहे हैं। मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा था, तो इसलिए दादी जी ने बच्चों को आम्रपाली फनलैंड में अच्छे से घुमाया, खूब मस्ती की बच्चों ने। और आइए देखते हैं यहाँ बच्चों ने क्या क्या मस्ती की।
काकरिया लेक पहुंचा हूं। देखते हैं काकरिया लेक का भी बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इस तरह से मैंने टिकट ले ली और अब मैं अंदर जा रहा हूं। हम काकरिया लेक पे पहुंच गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे काकरिया लेक है और आइए चलिए। ये है नगीनावाड़ी, चलिए नगीनावाड़ी चलते हैं। मेरे पीछे नगीनावाड़ी बारिश शुरू हो गई है तो अभी हमें वापस जाना है। आपने बच्चों को फुल मस्ती करा दी। हाँ सीधा ही है।